आज हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ साइंस का थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो इससे पहली वीडियो थी आप वो भी ज़रूर देखिए, वो थी अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है। और इस थ्योरी में हम करेंगे डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की कमियाँ, यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था, लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने बताया, बाद में जो साइंटिस्ट हुए, कि वो थ्योरी सही नहीं थी। डाल्टन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम्स वर इंडिविजुअल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। जो एटम होते हैं वह इंडिविजुअल होते हैं। कहने का मतलब एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो इतना छोटा होता है एटम कि उसे आगे हम नहीं तोड़ सकते, चाहे कह लो उसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का मेन बात थी, लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने इसका ड्रॉबैक निकाला, इसकी कमी निकाली। उनके अनुसार एटम्स आर मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आज हमें पता है कि जो एटम होता है उसके बिल्कुल सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके जो इर्द गिर्द जो आउटर सर्कल है उसका, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। सेकंड, डाल्टन ने बताया था हमें कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास। जो एटम होते हैं किसी एक एलिमेंट के, उनका एक ही मास होगा। कहने का मतलब अगर उसके अनुसार अगर कार्बन एलिमेंट के एटम हैं तो उनका सेम मास होना चाहिए, लेकिन बाद में ये बात भी उनकी गलत साबित हुई। एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मास। एटम अगर किसी एक एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनके मास में अंतर पाया जा सकता है, उनके मास अलग अलग हो सकते हैं, जिन्हें अब आइसोटोप्स कहा जाता है। जैसे कार्बन के एग्जांपल लीजिए, कार्बन का मास नंबर जो है वो 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है उनके मास नंबर, जबकि एक ही एलिमेंट है लेकिन उस उनके एटम्स का मास अलग अलग पाया जाता है, जिसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। थर्ड नंबर पर डाल्टन ने बताया कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। कहने का मतलब जो एटम होते हैं अगर वो अलग अलग एलिमेंट के हैं, जैसे कार्बन के, आर्गन के, कैल्शियम के, तो उनका मास अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये भी बाद में गलत प्रूव हुआ। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मासेस। एटम जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट के, उनका एक ही मास हो सकता है एटम का, जिन्हें आज आइसोबार्स कहा जाता है ऐसे एटम्स को। जैसे उनकी एग्जांपल है आर्गन जो कि एलिमेंट है, उसका मास 40 है मास नंबर, कैल्शियम जो कि अलग एलिमेंट है उसके एटम का मास भी 40 मास नंबर 40 है, तो दोनों का जो मास नंबर है वो सेम है, जबकि वो अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं। तो ये था हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।